आज के इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे आप पिक्सआर्ट ऐप का यूज करके कैसे आप अपनी फोटो में डार्क टोन ऐड कर सकते हो, मतलब डार्क ब्लैक टोन ऐड कर सकते हो। साथ ही आप अपनी फोटो के अंदर ऑयल पेंट का इफेक्ट भी दे सकते हो, वो भी बहुत इजी से स्टेप्स में हमने आपको इस वीडियो में बताया है। एंड भाई, इस वीडियो को बनाने का एक और मेन मकसद है, इस वीडियो में हमने आपको ये भी सिखाया कि पिक्सआर्ट ऐप के अंदर आप अपनी फोटो को फुल HD में कैसे सेव करोगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ये नहीं कर पाते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले गाइस, लेट गेट स्टार्टेड। तो गाइस, जैसा कि अभी आप देख पा रहे हो कि हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुके हैं। गाइस, हमने फोटो को सिलेक्ट कर लिया है। इस फोटो के ऊपर हमने एक एडिटिंग ट्यूटोरियल बनाया था जो कि स्नैपसीड से था, एंड वो थोड़ा ब्लू टोन में था, मतलब सियान टोन में था। आप लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया, मैंने सोचा कि सेम आपको सिखाएं, लेकिन इसमें हम डार्क टोन आपको ऐड करना सिखाएं, वो भी पिक्सआर्ट से। एंड अगर आप लोगों को पिक्सआर्ट से ब्लू टोन भी सीखना है तो जरूर कमेंट कीजिए इस वीडियो के नीचे, ठीक है। अभी इस फोटो को यहां सेंड पे क्लिक करेंगे एंड ओपन कर लेंगे पिक्सआर्ट ऐप के अंदर। एंड गाइस, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हमने ये भी आपको बताया कि किस तरीके से आप अपनी फोटो को फुल HD में सेव करोगे, ठीक है। तो कहीं भी, मतलब कभी भी बता सकते हैं, इसलिए वीडियो को आप पूरा देखिए। तो गाइस, फोटो को ओपन कर लेने के बाद सबसे पहले आपको टूल्स पे क्लिक करना है, यहाँ रिसाइज पे क्लिक करना है। यहाँ जो आप देख पा रहे हो 1472 इसकी विड्थ है, इसमें हम डाल देंगे 6000। जैसे ही इसको डालेंगे, आप देख पा रहे हो यहाँ रिकमेंड हो गया 2590 डालने के लिए, ठीक है। तो हम डाल देंगे 2590, ये हो गई इसकी एक्चुअल विड्थ एंड इसकी एक्चुअल हाइट, ठीक है। तो ये करना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आपकी फोटो फुल HD में सेव होगी, ठीक है। और भी बहुत सारे तरीके हैं, आप वीडियो देखते रहिए। तो गाइस, अब आपको करना है क्लिक यहाँ इफेक्ट्स पे। इफेक्ट्स पे आने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे इफेक्ट मिल जाएगा, आप देख पा रहे हो। तो इफेक्ट्स पे आओगे तो यहाँ पे आपको HDR का इफेक्ट मिल जाएगा, ब्लर का इफेक्ट मिल जाएगा, मतलब बहुत सारा आपको यहाँ पे इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको इफेक्ट्स पे आके HDR वाला इफेक्ट जो है अप्लाई करना है। एंड यहाँ से अनशार्प आपको एक दिख रहा है, तो इसे थोड़ा सा गाइज आपको लगभग इतना कम कर लेना है, ठीक है। इतना इसको रहने देना है, इतना लगभग, ठीक है। अभी देखोगे फोटो बिफोर आफ्टर, तो कुछ इस टाइप से आपकी फोटो दिखेगी। यहाँ से इरेजर लेना है, इरेज को सिलेक्ट करना है, एंड कुछ इस तरीके से गाइज आपको अपने फेस से इसको इरेज कर देना है, ठीक है। याद रहे कि गाइज ये HDR का इफेक्ट मतलब आपके स्किन पे नहीं ही होना चाहिए, नहीं तो आपकी स्किन मतलब खराब दिखेगी, ठीक है। तो हम यहाँ से कुछ इस तरीके से इसको इरेज कर लेते हैं, इस हैंड से भी, लेग से भी एंड फेस से भी, ठीक है। कुछ इस तरीके से गाइज आपको इरेज कर लेना है। तो गाइज, आप देख पा रहे हो कि हमने पूरे स्किन से इसको इरेज कर लिया। इरेज कर लेने के बाद अभी आप देख पा रहे हो कि ये बैकग्राउंड पे है एंड क्लोथ पे, मतलब पूरा बॉडी पे है लेकिन बैकग्राउंड पे भी है। अभी देखोगे बिफोर आफ्टर। इतना काम कर लेने के बाद आपको यहाँ से सिंपल से मर्ज कर लेना है। मर्ज कर लेने के बाद गाइस, अब आपको यहाँ जाना है कलर्स में। कलर्स में आने के बाद यहाँ आपको कलर स्प्लैश का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। अब ये जो आपको प्लस का आइकॉन दिख रहा है, ये वाला आप देख पा रहे हो ब्लैक कलर का, तो इसे आपको कहीं भी अपने स्क्रीन पे ला कर कुछ इस तरीके से छोड़ देना है। जैसे आप स्क्रीन पे रखोगे, आप देख पा रहे हो कि बैकग्राउंड ऑटोमेटिक से ही, मतलब कुछ भी नहीं करना पड़ा, ऑटोमेटिक ही डार्क हो गया। तो यहाँ से आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हो। हम इसको थोड़ा सा माइनस साइड रखेंगे, मतलब लेफ्ट साइड, एंड मीन जो है इसे हम पूरा आगे की तरफ कर देंगे, ठीक है। तो अभी फोटो देखोगे बिफोर आफ्टर, तो फोटो कुछ इस टाइप की अभी दिख रही है। एंड ये जो मैक्सिव है, इसे हम लगभग इतना रखेंगे, एंड अभी बिफोर आफ्टर। तो गाइस, आप देख पा रहे हो कि फोटो के अंदर इजीली डार्क टोन आ गया। यहाँ से इसको अभी हम डन करेंगे, ठीक है। अब गाइस, यहाँ टूल्स पे चलना है, यहाँ आपको एडजस्ट में चलना है, यहाँ आपको कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा जो है इंक्रीज कर देना है, लगभग इतना, एंड यहाँ से क्लैरिटी को भी थोड़ा सा बढ़ा लेना है। एंड हाइलाइट्स आपको दिख रही है, हाइलाइट्स को आपको कम रखना है, लगभग यहाँ पे -6। एंड आपको यहाँ शैडोज मिल जाएगी, शैडोज को लगभग इतना रखना है, -2 के अराउंड। एंड टेम्प को आपको थोड़ा सा -ID रखना है, मतलब लगभग -2 या 3, ठीक है। तो -3 रख लेते हैं, देन यहाँ से इसको डन कर लेंगे, ओके। अभी गाइज, आप फोटो देखोगे बिफोर आफ्टर, फोटो के अंदर तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे चेंजेस आ गए हैं। एंड फुल HD में सेव करने के लिए आपको जाना है ड्रॉ टूल के अंदर, यहाँ से एक एम्प्टी लेयर लेना है। देखो, जैसे कि इस पे हमने लेयर पे क्लिक किया, एक एम्प्टी लेयर यहाँ बना हुआ है। अब इस 3 डॉट के आइकॉन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से मर्ज कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से आपको इरेजर लेना है, इरेजर की जो आप देख पा रहे साइज 1 कर लेना है एंड ओपेसिटी भी 1 कर लेना है, कोई से भी आप ब्रश ले लेना, देन कहीं भी ऐसे बैकग्राउंड पे एक बार ड्रॉ कर देना है, ठीक है। अब इस 3 डॉट के आइकॉन पे क्लिक करके सेव इमेज कर लेना है। इससे क्या होगा कि आपकी फोटो ना फुल HD में सेव होगी। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप एक बार सेव करके ट्राई जरूर करना, देन आप कमेंट करके हमको बताना। इतना हो जाने के बाद गाइस, गैलरी में आने के बाद यहाँ सेंड पे क्लिक करेंगे फोटो को, एंड यहाँ से इसको हम ओपन कर लेंगे। अभी हम टूलविड्स ऐप के अंदर फोटो को ओपन कर लेते हैं, टूलविड्स ऐप के अंदर। तो गाइस, ये रहा मेरे पास टूलविड्स ऐप। इसके अंदर आने के बाद गाइस, यहाँ से आपको चलना है इफेक्ट्स में, यहाँ आपको चलना है सॉफ्ट स्मर्ज में, एंड यहाँ पे जो है 7 नंबर वाला इफेक्ट जो है ले लेना है,
है, ठीक है। इसे लेने के बाद यहाँ मास्क पे क्लिक करना है, यहाँ आपको क्लीन पे एंड कुछ इस तरीके से गाइज आपको अपना हेयर पे इसको चला देना है, ठीक है। याद रहेगा कि इसको आपको हेयर पे ही सिर्फ चलाना है अभी, ठीक है। तो इतना हेयर पे हम लगभग चला लेंगे, इस साइड भी चला ले रहे हैं। तो अभी गाइज आप देख पा रहे हो कि हेयर पे ऑयल पेंट का इफेक्ट जो है कितना मस्त लग रहा है, ठीक है। लेकिन अभी आपको थोड़ा ऑड लगेगा क्योंकि लग रहा है कि थोड़ा ओवर ज़्यादा हो गया, इसको कम रखना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आप यहाँ पर डन पे क्लिक करोगे आप देख पाओगे कि ऑटोमेटिक ही एडजस्ट हो गया, मतलब देख पा रहे हो ऑयल पेंट का इफेक्ट कितना ज्यादा मस्त लग रहा है। एंड इतना हो जाने के बाद दोबारा से हम जाएंगे इफेक्ट्स वाले ऑप्शन के अंदर, सॉफ्ट स्मर्ज, एंड यहां से गाइज आपको ये 4 नंबर वाला इफेक्ट इस बार लेना है या 5 नंबर वाला भी ले सकते हो। मास्क पे क्लिक करना है, क्लीन पे, देन कुछ इस तरीके से आपको टी शर्ट पे भी एंड यहाँ पैंट पे भी कुछ इस तरीके से आपको चला देना है, ठीक है। तो गाइज इतना काम आपको कर लेना है क्योंकि इसकी ओपेसिटी हम कम रखें इसलिए हम यहाँ पे चला सकते हैं, बाकी हेयर पे आपको कम ओपेसिटी नहीं थोड़ा ज़्यादा करके चलाना है, बाकी यहाँ से इसको डन कर लेंगे। अभी गाइज आप देख पा रहे हो कि फोटो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लगने लग गई है, एंड यहाँ सेव पे क्लिक करके फोटो को सेव कर लेंगे, ठीक है। एंड रही बात स्किन की तो वो आप स्नैपशीट में सही कर सकते हो, जैसे कि हम आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ मोड पर क्लिक करेंगे एंड स्नैपशीट ये रहा। तो गाइज हम फोटो का स्नैपशॉट के अंदर ओपन कर लिए, यहाँ टूल्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ सिलेक्टिव एंड कुछ इस तरीके से आपको स्क्रीन का डार्कर एरिया जो अपना सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ ब्राइटनेस बढ़ा देंगे, सेचुरेशन को कम कर लेना है, ठीक है। साथ ही साथ स्ट्रक्चर को भी कम, अभी फोटो देखोगे बिफोर आफ्टर, तो गाइज आप देख पा रहे स्क्रीन में जो है चमक आ गया है। सेम ऐसे ही आपको पूरा लेग पे, हैंड पे, मतलब ये सेम प्रोसेस आपको कर देना है, सिलेक्ट कर लेना है कुछ इस तरीके से। जैसे कि आपने सिलेक्ट कर लिया, यहाँ सेचुरेशन कम कर लेंगे, लुमिनेंस कम कर लेंगे, ब्राइटनेस बढ़ा लेंगे, देन डन कर लेंगे। तो गाइज कुछ इस तरीके से आप अपनी फोटो को एडिट कर सकते हो, बाकी यहाँ से हम पहले फोटो को सेव कर लेते हैं। एंड रही बात बैकग्राउंड ब्लर की, तो इसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वो वीडियो देख के अच्छे से सीख सकते हो बैकग्राउंड ब्लर कैसे करते हैं। सो आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।